everyone, welcome to Amrita's Kitchen. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बच्चों की बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और जो हम मोनाको बिस्किट से बनाएंगे. तो इसे हम मोनाको बिस्किट टॉपिंग्स भी कह सकते हैं, मोनाको बिस्किट कैनापेस भी कह सकते हैं. तो चलिए बनाते हैं मोनाको बाइट्स. तो इसके लिए हमें यहाँ पे मोनाको बिस्किट्स ले लेते हैं, जो कि बहुत ही क्रंची होते हैं. साथ ही टोमेटो को रिंग शेप में कट करके लेना है, अनियन और कुकुम्बर को भी रिंग शेप में कट कर लेना है. टोमेटो सॉस यहाँ लेना है, हरे धनिए और हरी मिर्च की हरी चटनी लेनी है, काजू लिए हैं फ्राई किए हुए, साथ ही यहाँ पे नमकीन सेव ली है बिल्कुल बारीक सी, चिली फ्लेक्स लिए हैं, चाट मसाला लिया है, अनारदाना लिया है और हरा फ्रेश धनिया लिया है. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें प्लेट में मोनाको बिस्किट्स इस तरीके से रख देने हैं. आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी मोनाको बिस्किट्स यहाँ ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे 9 मोनाको बिस्किट्स का यूज किया है. तो ये देखिए बिस्किट सेट कर दिए हैं. अब हम इस पे रख देते हैं कुकुम्बर की रिंग, जो हमने रिंग शेप में कुकुम्बर कट कर लिया है वो हम इसके ऊपर रख देते हैं. तो अब हम इसमें रख देते हैं टोमेटो के स्लाइसेस, जो हमने सर्कल शेप में कट कर लिए हैं. तो ये सारे टोमेटो स्लाइसेस हम इसमें रख देते हैं. अब साथ ही अनियन की स्लाइसेस भी हम इसमें रख देते हैं. आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद है वो टॉपिंग्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ना खाते हो तो. ये देखिए अनियन के स्लाइसेस रख दिए हैं. अब हम इस पे डाल देते हैं टोमेटो सॉस. तो टोमेटो सॉस इस पे डाल दिया है. अब हम डाल देते हैं हरी मिर्च और हरे धनिए की हरी चटनी. इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और देखिए दिखने में भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है. अब इस पे हम रख देते हैं फ्राई किए हुए काजू. इसे और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम ये रख रहे हैं. आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें काजू भी रख सकते हैं. तो यहाँ मैंने फ्राई किए हुए काजू लिए हैं, जिसे इस पे हमने डेकोरेट कर दिया है. तो काजू रख दिए हैं. साथ ही इसमें अब हम डाल देते हैं नमकीन सेव. बिल्कुल जो बारीक सेव होती है उसका हमें यहाँ यूज करना है. तो सारी सेव हम इसके ऊपर डाल देते हैं. तो इसके ऊपर मैंने सेव डाल दी है. अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है. तो चाट मसाला इस पे हम डाल देते हैं. अब हम इस पे डाल देते हैं चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स का अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि हमने इसमें मिर्च का यूज नहीं किया है. तो चिली फ्लेक्स आप इस पे डाल दीजिए, एक अलग ही तीखापन इसमें आ जाएगा. तो ये देखिए चिली फ्लेक्स डालने पे अब हम इसमें अनारदाना डाल देते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा मीठा फ्लेवर आता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद होते हैं. अनारदाना भी डाल दिए हैं. अब हम इसमें डाल देते हैं हरा फ्रेश धनिया. ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कलरफुल लग रहा है फ्रेंड्स. तो हरा फ्रेश धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है. अब हम इसमें चीज डाल देंगे. चीज को इस तरीके से ग्रेट करके हमें इसमें डाल देना है. चीज बच्चों की बहुत फेवरेट होती है. चीज का यूज आप कर सकते हैं और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं. तो ये देखिए इस पे अच्छे से चीज को ग्रेट कर लेते हैं. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोनाको टॉपिंग बिल्कुल तैयार है. आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल है. इसमें रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट सारे कलर्स हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही है. ये देखिए आप देख सकते हैं बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है और आप इंस्टेंट इसे बना सकते हैं. बच्चे ये बहुत ही पसंद से खाएंगे और बड़े भी. आप किसी पार्टी में भी ये बना के यूज कर सकते हैं. तो ये देखिए हमारी मोनाको टॉपिंग, मोनाको कैनापेस या मोनाको बाइट्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल तैयार है. आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स भी कितनी प्यारी लग रही है. ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत ही यम्मी भी लगती है. तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा.
फिर मिलते हैं बहुत ही इजी यम्मी टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।